हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों राजस्थान की स्कॉलरशिप में आप सभी के लिए एक मैं बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली छात्रों के जो हैं फॉर्म हैं स्कॉलरशिप के ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो रहे थे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा, काफ़ी छात्रों की ये समस्या आ रही थी, एप्लीकेशन रिजेक्ट ड्यू टू सस्पेक्टेड एक्टिविटी। तो यहाँ से जो फॉर्म है इस प्रकार से विभाग ने रिजेक्ट कर दिए थे। तो ये रिजेक्ट हुए हैं, ऑटोमेटिकली हुए हैं, ना तो इस जो भी आपका कॉलेज है वहाँ से हुए हैं या फिर आपकी गलती की वजह से हुए हैं। इसमें क्या रीज़न है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपका इस प्रकार से एप्लीकेशन में स्टेटस शो हो रहा है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो इसके लिए ही मैं आप के लिए जो जो है वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन रिजेक्टेड का जो आपके लिए नोटिफिकेशन आता है ये क्या रीज़न है और आखिर में क्या फाइनली जो है स्कॉलरशिप के जो आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म है रिजेक्ट हो गया या फिर नहीं हुआ, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों। लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए अपडेट आते रहेंगे और नए नए अपडेट आपको मिलते भी रहेंगे टाइम पर। और भी अपडेट आएंगे आपके लिए, सबसे बड़ी खुशखबरी और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। लेकिन अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे आपकी आईडी का पता चल सके और आपके लिए टाइम पर अपडेट मिल सके। तो चलिए सबसे पहले तो जो भी ये समस्या है मैं आपको इसे क्लियरली बता देता हूँ। जिन छात्रों के जो भी एप्लीकेशन हैं रिजेक्ट यहाँ से दिखा रहे उन सभी के यहाँ पर रिजेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है अब आपकी स्कॉलरशिप आगे नहीं आएगी, या फिर क्या ये फॉर्म आगे दोबारा से रीओपन होंगे, या फिर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए तो अब आपको कुछ इसमें करना या फिर नहीं करना, कंप्लीट जानकारी यहाँ से देखेगा। तो दोस्तों अब ये रिजेक्ट हुए हैं ना, तो इसमें रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है? अभी आप सभी में से एक छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी उन्हीं का मैं स्क्रीनशॉट आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। सभी छात्रों के लिए बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ तो ये रिजेक्ट सोच करके ही घर बैठ जाएंगे और अपनी आगे की प्रोसेस इसमें नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन रिजेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ से इसके बाद में फिर नेक्स्ट अपडेट हो गया है पेंडिंग इंस्टीट्यूट स्कूल के लिए, ओके यहाँ से विभाग की तरफ से हैज़ ये, तो यहाँ स्कूल में या कॉलेज में आपके पेंडिंग है लेकिन नीचे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों ये रिजेक्ट होने का रीज़न अभी आपके लिए ना तो कॉलेज की तरफ से ना आपके लिए डिपार्टमेंट ने दिया है। दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली ये छात्रों के लिए मैसेज आ रहा है एप्लीकेशन रिजेक्टेड, किसी के लिए 10 दिन में आ रहा है, किसी के लिए तुरंत की तुरंत आ रहा है, आज ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो लेकिन नेक्स्ट डे आपके लिए एप्लीकेशन रिजेक्टेड का अपडेट आ जाता है। तो दोस्तों ये रिजेक्टेड आपके फॉर्म नहीं हो रहे, ऑटोमेटिक विभाग की तरफ से सिस्टम की तरफ से ये अपने आप मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेज आप देख सकते हैं इस प्रकार से वापस हट जाएगा यहाँ से और आगे की प्रोसेसिंग आपकी होना शुरू हो जाएगी। जो भी स्कॉलरशिप में स्टेटस में आपका यहाँ पे स्टेटस है बढ़ता जाएगा, DLO के पास में फॉर्म भी अप्रूव होंगे, आगे जिनके एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गए उनके फॉर्म आगे की प्रोसेसिंग अब होने वाली है। कुछ छात्रों की 1 महीने से भी रिजेक्टेड के लिए पड़ा होगा लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिनके पड़े हैं उनके ऑटोमेटिकली फॉर्म ओपन हो जाएंगे और जिनके ओपन होने लग गए हैं तो वो अपना फॉर्म यहाँ से ज़रूर चेक कर लेना। तो फाइनली बात यह है जिनके फॉर्म एप्लीकेशन रिजेक्टेड में डले हुए इस प्रकार से, तो दोस्तों आपको टेंशन फ्री रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से ओपन हो जाएंगे। आपको 1 में कम से कम 1 मंथ में एक बार बायोमेट्रिक जरूर लगवा लेनी है कॉलेज में, जिससे कि आगे की प्रोसेसिंग आपके फॉर्म की होती रहे। तो फाइनली समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन रिजेक्टेड के बारे में, जिनके ऑप्शन में आ रहे हैं एप्लीकेशन रिजेक्टेड फॉर्म वापस ओपन हो जाएंगे सभी छात्रों के लिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। तो यह है अपडेट, सभी छात्रों को ज़रूर चेक कर लेना, अपने साथियों को बता देना ताकि वो आगे की इसमें प्रक्रिया है कंप्लीट कर लें ताकि पेमेंट जब भी आएंगे आपके लिए टाइम पर मिल जाए। यह जानकारी कंप्लीट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।